नमस्कार। श्री श्याम गुरुपोखर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो श्री श्याम गुरुपोखर एजुकेशन ने पहल की कि जितने भी कंपटीशन में एग्जाम हुए उन एग्जाम को जो भी पेपर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए उन पेपरों को सोल्व करने की एक पहल की है। जो ऑप्शन है उसके माध्यम से हम सोल्व करेंगे ताकि हर कंपटीशन के क्षेत्र में वो काम आ सके, सभी को उसका लाभ मिल सके। ऐसी एक हमारे द्वारा श्याम ग्रुप एजुकेशन के द्वारा ऐसी एक पहल की गई है। तो आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम अब अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राजस्थान की निम्न में से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है वो देखो, अपने को कह रहा है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है, मतलब मावठ की वर्षा से उसे लाभ नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि क्या ऑप्शन दे रखा है। तो हम देखेंगे, देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन कि गेहूं, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन चना, चार नंबर ऑप्शन सरसों। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि मावठ होती है। सबसे पहले क्या जानना है कि मावठ होती है। देखो कि मावठ, सबसे पहले हम जानेंगे माउथ। अब माउथ है, माउथ की चर्चा हम करेंगे कि माउथ जैसे राजस्थान है तो इस राजस्थान में पश्चिम बात करें कि कौन से पश्चिमी विक्षोभों के कारण, विक्षोभों के कारण के कारण कारण या मध्य सागरीय सागरीय चक्रवातों के कारण, चक्रवातों से होने वाली वर्षा। आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में जो वर्षा होती है या भूमध्य सागरीय के चक्रवातों से जो वर्षा होती है वो क्या होती है, माउथ होती है। और माउथ हमेशा ध्यान में रखना है अपने को कि माउथ हमेशा शीत ऋतु होती है, शीत। ये कह रहा है कि माउथ हमेशा किस ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। इस ऋतु में कहोगे शीत ऋतु में कहेंगे। अब अपने को ये कहता है कि ठीक है शीत ऋतु होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है, सर्दियों में होती है, बात चल रही है। अब गेहूँ, गेहूँ कैसी फसल है, हम कहेंगे कि शीत ऋतु में होने वाली फसल है, शीत में। अब ये कहता है कि चना भी किस ऋतु में होता है, तो हम कहेंगे सर्दियों में होता है, शीत ऋतु में होता है। सरसों भी किस ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। अब इसमें ऑप्शन ए जो बचा है वो करेक्ट इसका आंसर क्या होता है, कपास, क्योंकि कपास हमेशा ग्रीष्म ऋतु में होती है। किस ऋतु में होती है कपास, ग्रीष्म ऋतु में। अब कपास ग्रीष्म ऋतु में हो रही है तो इसका आंसर क्या हो गया, कपास। ये कह रहा है राजस्थान की कौन सी फसल तो माउथ से लाभान्वित नहीं है, क्योंकि चना है, सरसों है। क्यों, क्योंकि माउथ जो होती है इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन गोल्डन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स कहा जाता है, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। शीत ऋतु की जो फसलें हैं उनके लिए सुनहरी बूंदे माउथ को कहा जाता है, कि सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है वो कैसी है, सुनहरी बूंदे। चक्रवातों से होने वाली वर्षा जो माउथ की फसल से लाभान्वित होते हैं, कहने का मतलब इससे लाभान्वित होती है, तो गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे कहते हैं। अब ये कह रहा है इसे गेहूँ, नाम आ रहा है अपने सामने, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या करना, एक नाम है गेहूँ। अब इस गेहूँ की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे गेहूँ की। देखो गेहूँ, गेहूँ कैसी है, रबी की फसल है। कैसी फसल है, रबी की, रबी की फसल है गेहूँ। अब बात करें कि गेहूँ तो है फसल, इससे
राजस्थान, राजस्थान का जो क्षेत्र है कौन सा प्रसिद्ध है गेहूं की फसल के लिए? गंगानगर, गंगानगर। और दूसरा इसके सहायक जो जिला है वो है हनुमान। गेहूं का उत्पादन की बात करें या फिर क्षेत्रफल की बात करें कि शुरुआती है गंगानगर और फिर कौन सा है हनुमान। कैसी फसल है? रबी की फसल है। इसके अलावा जैसे बात करें कि गेहूं जो फसल है इसमें मावठ जो सर्दियों में होने वाली वर्षा है वो सर्वाधिक लाभदायक है, लाभदायक है। ये गेहूं जो है एक खाद्य फसल है, याद रखना है अपने को कैसी फसल है, खाद्य फसल। अब ये हमने पढ़ा कि राजस्थान में गेहूं रबी की फसल है, सर्दियों में होने वाली फसल है, राजस्थान में गंगानगर हनुमान प्रवेश का क्षेत्र है, मावठ की लाभदायक फसल है, फिर कह रहा है कैसी फसल है, खाद्य फसल। अब कह रहा है कि गेहूं जो फसल है इसकी बात करें कि गेहूं फसल के लिए वर्षा जितनी चाहिए, और वर्षा की बात करें कि गेहूं की फसल के लिए 75 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, 75 सेंटीमीटर से ऊपर कितनी हो 75 सेंटीमीटर। अब बात कर रहा है कि मिट्टी कैसी चाहिए इसे, तो मिट्टी हम कहेंगे कि गेहूं फसल के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए भाई? दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूं की फसल दोमट मिट्टी में ज़्यादा लाभकारी होती है, ज़्यादा इसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है दोमट मिट्टी में, और वर्षा 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। अब कह रहा है इसमें दोनों प्रोसेस इसमें कहा है वो देखते हैं कि कपास नॉर्मल बातें कर लेते हैं इसकी, कपास की कपास देखेंगे। अब कह रहा है कि कपास कैसी फसल है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कपास कैसी फसल है। देखो कह रहा है कपास की बात करेंगे। जिला कौन सा होता है? चित्तौड़गढ़ होता है।
पास के बारे में। अब इसमें हमने अपना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में देखिए कि तीसरा ऑप्शन था चल, अच्छा ऑप्शन है चल। अब चले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे चना, चना भी देख लेते हैं जैसे नाम है चना, कौन सा चना। अब चना जो फसल है इसकी भी बात करें चने फसल की, तो ये कह रहा है चना फसल अपने को कि ये भी कैसी फसल है, रबी की फसल है। चना कहते किसकी फसल है, रबी की फसल है। अब ये कह रहा है कि जो चना है, चना एक खाद्य है, खाद्य फसल है। कैसी फसल है, खाद्य फसल है। दलहन फसल है, कैसी फसल है, दलहन फसल, खाद्य फसल है, दलहन फसल है। रबी की, रबी की दूसरी उत्पादन उत्पादन की फसल है कि रबी तो ऋतु है, उस ऋतु में दूसरी सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल है। राजस्थान, राजस्थान का चने उत्पादन में सेकंड स्थान, कौन सा स्थान, सेकंड स्थान। चने की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है चने की सेकंड स्थान। अब चना है, वर्षा कितनी चाहिए, हम वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक क्या चाहिए चने के लिए वर्षा चाहिए। मृदा की बात करेंगे, चना के लिए मृदा कितनी चाहिए, तो हम कहेंगे चने के लिए जो मृदा है उस मृदा में चना है वो हमें चाहिए, मृदा जो चाहिए वो है दोमट। कैसी मृदा है, दोमट मृदा है। कैसी मृदा कहेंगे हम, तो बात करेंगे कि दोमट मृदा होती है, ये कौन सी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। फिर कह रहा है कि जो चना है इस चने की बात करेंगे इसकी किस्म कौन सी है, तो हम किस्मों की बात करें तो ये लो जैसी किस्म है, ये लो इसकी मुख्यतः किस्म है। अब बात करें कि जो चना है इस चने के दृष्टि से, तो सर्वाधिक जो चना है उत्पादन की दृष्टि से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला चने के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, कौन सा जिला। पर एक नौहर मंडी है चने की, एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी बन चुकी है नौहर चना मंडी, एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित, एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। अब ये इसमें हमने देखा कि चार ऊपर अपना ऑप्शन क्या था वो देखेंगे, चार ऊपर अपना ऑप्शन है सरसों, सरसों की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सरसों। अब सरसों देखें इसकी बात करेंगे सरसों, सरसों। अब सरसों के उत्पादन की बात करें कि राजस्थान का, राजस्थान का दृष्ट स्थान, इसका दृष्ट स्थान राजस्थान, सरसों उत्पादन में राजस्थान है उत्पादन में प्रथम प्रथम स्थान है रखता है। अब सरसों है वो एक रबी की फसल है, कैसी फसल है, रबी की। सरसों है बात करें कि तो सरसों के लिए बात करें, इस सरसों का अनुसंधान केंद्र कौन से है, जैसे अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवन पर, सेवन पर, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवन पर। तो सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है, रबी की फसल है, माउथ के लिए जानी जाती है कि माउथ होती है उसके लिए लाभदायक है, माउथ सरसों के लिए लाभदायक है, अनुसंधान के अंदर कहा है सेवन पर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कह रहा है कि निमन, क्या कह रहा है कि निमन निमन में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी, क्वेश्चन क्या है कि निमन में से राजस्थान में किस जिले की सीमा सबसे छोटी। पहला ऑप्शन है अपना गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है अपना बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है अपना बाड़मेर, चौथा ऑप्शन है अपना जैसे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की बात करें कि ये इस तरफ तो राजस्थान है, यहाँ पे इसके सारे सारे इसके सारे सारे लगने वाले सीमा, जैसे ये दो सीमा है, इससे सीमा की बात करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ लगने वाली, इसके सारे सारे कौन सी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सीमा हम कैसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेंगे कि पाकिस्तान के सारे सारे लगने वाले जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसका नाम पूछ ले अपने से, हम कहेंगे कि रेड क्लिक, क्या नाम है इसका रेड कि रेड क्लिक है, और इसकी लंबाई लगती है राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ टोटल कितनी सीमा बनाता है 1070 पाकिस्तान के साथ। अब कह रहा है कि यहाँ लगने वाला जो जिला है वो है गंगानगर, फिर कह रहा है कि यहाँ जो जिला लगेगा वो जिला लगता है गंगानगर, फिर कह रहा है करने के बाद दूसरा जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद दूसरा जिला है बाड़मेर, दूसरा जिला है बाड़मेर। इसने पूछा है कि राष्ट्रीय सीमा के सामने सामने लगने वाले जिले की बात चल रही थी। अब देखो जिले की बात चल रही थी, ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, नाम है 1070 किलोमीटर, कितने जिलों के साथ राजस्थान के, तो हम कहेंगे 4 जिलों के साथ राजस्थान के, कितने जिले 4 गंगानगर बीकानेर जैसे। बट अब इससे पूछा है सबसे कम किसकी लगती है, इसका आंसर होगा सबसे कम लगती है बीकानेर, इसके साथ किस बीकानेर के साथ लगती है उस जिले कितने किलोमीटर, हम कहेंगे 168 किलोमीटर, कितनी सीमा लगती है 168 किलोमीटर सीमा लगती है। अब कह रहा है कि सर्वाधिक कम की तो हमने पढ़ लिया कि कम किसके साथ लगेगी बीकानेर के साथ। अब बात करें कि दूर मुख्यालय किसका है पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, दूर मुख्यालय पूछे अपने से, तो मुख्यालय भी किसका है मुख्यालय बीकानेर, ठीक है। सर्वाधिक किससे लगती है, तो सर्वाधिक लगती है अपनी जैसलमेर के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक पूछे किसके साथ करोगे तो हम जैसलमेर के साथ कहेंगे। अब कितनी लगती है 464 लगती है, कितनी लगती है 464। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा जिला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले की बात करें तो वो भी कौन सा जिला है जैसलमेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने लगने वाला सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, बात करें तो मुख्यालय बीकानेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें इसकी दृष्टि से बात करेंगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन सा है, छोटा है गंगानगर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा गंगानगर बड़ा जैसलमेर। अब कह रहा है कि सर्वाधिक लंबाई जैसलमेर की, सबसे कम किसकी बीकानेर, दूर मुख्यालय किसका है बीकानेर का, नजदीक मुख्यालय किसका है, नजदीक मुख्यालय गंगानगर का, नजदीक मुख्यालय किसका लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे गंगानगर, ये सीमा बनाता है टोटल 210 किलोमीटर, कितने किलोमीटर सीमा बनाता है 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। हमने पढ़ा कि हम पढ़ रहे थे कि गंगानगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, नजदीक मुख्यालय लगता है 210 किलोमीटर सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है बीकानेर 166 किलोमीटर, दूर मुख्यालय है सर्वाधिक क्षेत्रफल का बड़ा जैसलमेर, बात करें तो 464 किलोमीटर बनाता है, तो ये हमने पढ़ा। अब बाड़मेर को पूछे कि बाड़मेर को अपनी कितनी सीमा बनाता है, ये हमने सुना था 228 किलोमीटर बनाता है, बनाता है 228 किलोमीटर। अब बाड़मेर है ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाने वाला राज्य, अंतर्राष्ट्रीय
वह अंतरराज्य दोनों सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर और गंगाजल भी कैसा है? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाता है अंतरराज्य। तो ये अपना से भी प्रश्न था, वो क्या था कि राजमहल में से राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से छोटी है? आंसर इसका करेक्ट आंसर है बेटा ये कह रहा है कि ये चार जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नाम है रेडक्लिफ 1070 किलोमीटर करते हैं, गंगानगर बीकानेर जैसे बाड़मेर तरफ ये रहेगा उत्तर से दक्षिण जिले की उत्तर से दक्षिण तरफ क्या है गंगानगर बीकानेर जैसे बाड़मेर दक्षिण से उत्तर को जिले बाड़मेर जैसे अपना कर्म लिए रहने वाले। अब बनाता है 600 बीकानेर और सर्वाधिक बनाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर। तो आज का अपना पाठ था, दो क्वेश्चन हमने हल किए, ये अपने आरंभ था शुरुआत थी और अब हम कंटिन्यू ऐसे ही क्लासें आगे जारी रखेंगे। आप अपना जो समय है अपना जो प्यार है ऐसे ही दर्शाते रहना, ऐसे ही अपना जो कीमती समय हमें देते रहना। आप हमें समय दो, हम आपको ज्ञान देंगे। धन्यवाद।